कश्मीर जहां आज प्रधानमंत्री का दौरा है, कार्यक्रम स्थल की तस्वीर दिखाएंगे और प्रधानमंत्री मोदी के अभिभाषण भी सुनाएंगे। कि जब यहां में एक कार्यक्रम का आयोजन तय हुआ तो सरकार के लोग आते थे, कॉन्ट्रैक्टर्स आते थे सब बनाने वाले। अब यहां तो कोई ढाबा नहीं है, यहां तो कोई लंगर नहीं चलता है। ये लोग आ रहे हैं तो उनको खाने का क्या करें? तो मुझे यहां के पंच सरपंच ने बताया कि हर घर से, कोई घर से 20 रोटी, कहीं 30 रोटी इकट्ठी करते थे और पिछले 10 दिन से यहां जो भी लोग आए हैं सबको गांव वालों ने खाना खिलाया है। सबका प्रयास क्या होता है ये आप लोगों ने दिखा दिया है। मैं हृदय से यहां के सभी मेरे गांव वासियों को आदर पूर्वक नमन करता हूं। भाइयों और बहनों, इस बार पंचायती राज दिवस जम्मू कश्मीर में मनाया जा रहा एक बड़े बदलाव का प्रतीक है। ये बहुत ही गर्व की बात है कि जब लोकतंत्र जम्मू कश्मीर में ग्रास रूट तक पहुंचा है तब यहां से मैं देश भर की पंचायतों से संवाद कर रहा हूं। हिंदुस्तान में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई, बहुत ढोल पीटे गए, बड़ा गौरव भी किया गया और वो गलत भी नहीं था। लेकिन एक बात हम भूल गए, भाषण तो कह करते थे हम कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है, लेकिन देशवासियों को पता होना चाहिए कि ये इतनी अच्छी व्यवस्था होने के पर लागू हो गई। अकेले जम्मू कश्मीर के गांवों में 30,000 से ज्यादा जनप्रतिनिधि चुन करके आए हैं और वो आज यहां का कारोबार चला रहे हैं। यही तो लोकतंत्र की ताकत होती है। पहली बार त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और डीडीसी के चुनाव यहां शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए और गांव के लोग गांव का भविष्य तय कर रहे हैं। साथियों, बात डेमोक्रेसी की हो या संकल्प डेवलपमेंट का हो, आज जम्मू कश्मीर पूरे देश के लिए एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। बीते 2-3 सालों में जम्मू कश्मीर में विकास के नए आयाम बने हैं। केंद्र के लगभग 125 कानून जो जम्मू के नागरिकों को अधिकार देते थे वो लागू नहीं किए जाते थे। हमने जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को एम्पावर करने के लिए उन कानूनों को लागू कर दिया और आपको ताकतवर बनाने का काम कर दिया। जिनका सबसे अधिक लाभ यहां की बहनों को हुआ, यहां की बेटियों को हुआ, यहां के गरीब को, यहां के दलित को, यहां के पीड़ित को, यहां के वंचित को हुआ है। आज मुझे गर्व हो रहा है कि आजादी के 75 साल के बाद जम्मू कश्मीर के मेरे वाल्मीकि समाज के भाई बहन हिंदुस्तान के नागरिकों की बराबरी में आने का कानूनी हक प्राप्त कर सके हैं। दशकों दशक से जो बेड़िया वाल्मीकि समाज के पांव में डाल दी गई थी उनसे अब वो मुक्त हो चुका है। आजादी के 7 दशक के बाद उसको आजादी मिली है। आज हर समाज के बेटे बेटियां
अपने सपनों को पूरा कर पा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बरसों तक जिन साथियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिला, अब उन्हें भी आरक्षण का लाभ मिल रहा है। आज बाबा साहब की आत्मा जहां भी होगी, हम सबको आशीर्वाद देती होगी कि हिंदुस्तान का एक कोना इससे वंचित था, मोदी सरकार ने आकर के बाबा साहब को सपनों को भी पूरा किया है। भाई, केंद्र सरकार की योजनाएं अब यहां तेजी से लागू हो रही है, जिसका सीधा फायदा जम्मू कश्मीर के गांवों को हो रहा है। एलपीजी गैस कनेक्शन हो, बिजली कनेक्शन हो, पानी कनेक्शन हो, स्वच्छ भारत अभियान के तहत टॉयलेट्स हो, इसका बड़ा लाभ जम्मू कश्मीर को मिला है। साथियों, आजादी के अमृतकाल यानी आने वाले 25 साल में नया जम्मू कश्मीर विकास की नई गाथा लिखेगा। थोड़ी देर पहले यूएई से आए, अबू धाबी से आए, दुबई से आए एक डेलीगेशन से बातचीत करने का मुझे अवसर मिला है। वो जम्मू कश्मीर को लेकर बहुत उत्साहित है। आप कल्पना कर सकते हैं, आजादी के 7 दशकों के दरमियान जम्मू कश्मीर में मात्र 17,000 करोड़ रुपए का ही प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो पाया था। 7 दशक में 17,000, और पिछले 2 साल के भीतर भीतर ये आंकड़ा 38,000 करोड़ रुपए पहुंचा है। दोस्तों, 38,000 करोड़ रुपए यहां इन्वेस्टमेंट के लिए प्राइवेट कंपनी आ रही है। साथियों, आज केंद्र से भेजी पाई पाई भी यहां ईमानदारी से लग रही है, और इन्वेस्टर भी खुले मन से पैसा लगाने आ रहे हैं। अभी मुझे हमारे मनोज सिन्हा जी बता रहे थे कि 3 साल पहले यहां के जिलों के हाथ में पूरे राज्य में 5,000 करोड़ रुपया ही उनके नसीब होता था, और उसमें लेह लद्दाख सब आ जाता था। उन्होंने कहा, छोटा सा राज्य है, आबादी कम है, लेकिन पिछले 2 साल में जो गति आई है, इस बार बजट में जिलों के पास 22,000 करोड़ रुपए सीधे सीधे पंचायतों के पास विकास के लिए दिए जा रहे हैं। इतने छोटे राज्य में ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेटिक सिस्टम के द्वारा विकास के काम के लिए कहां 5,000 करोड़ और कहां 22,000 करोड़ रुपए, ये काम हुआ है। भाइयों, आज मुझे खुशी है, रतले पावर प्रोजेक्ट और क्वार पावर प्रोजेक्ट जब बनकर तैयार होंगे तो जम्मू कश्मीर को पर्याप्त बिजली तो मिलेगी ही, जम्मू कश्मीर के लिए बिजली एक कमाई का बहुत बड़ा नया क्षेत्र खुलने वाला है, जो जम्मू कश्मीर को नई आर्थिक ऊंचाइयों की ओर ले जाएगा। अब देखिए, कभी दिल्ली से एक सरकारी फाइल चलती थी, जरा मेरी बात समझना,
दिल्ली से एक सरकारी फाइल चलती थी तो जम्मू कश्मीर पहुंचते पहुंचते 2-3 हफ्ते लग जाते थे। मुझे खुशी है कि आज 500 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट सिर्फ 3 हफ्ते के भीतर यहां लागू हो जाता है, बिजली पैदा करना शुरू करता है। पल्ली गांव के सभी घरों में अब सोलर बिजली पहुंच रही है। ये ग्राम ऊर्जा स्वराज, ऊर्जा स्वराज का भी बहुत बड़ा उदाहरण बना है। काम के तौर तरीकों में यही बदलाव जम्मू कश्मीर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। साथियों, मैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों को कहना चाहता हूं, साथियों मेरे शब्दों में भरोसा कीजिए, घाटी के नौजवान आपके माता पिता को, आपके दादा दादी को, आपके नाना नानी को जिन मुसीबतों से जिंदगी जीनी पड़ी, मेरे नौजवान आपको कभी भी ऐसी मुसीबतों से जिंदगी जीनी नहीं पड़ेगी। ये मैं करके दिखाऊंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। बीते 8 सालों में एक भारत श्रेष्ठ भारत के मंत्र को मजबूत करने के लिए हमारी सरकार ने दिन रात काम किया है। जब मैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करता हूं तो हमारा फोकस कनेक्टिविटी पर भी होता है, दूरियां मिटाने पर भी होता है। दूरियां चाहे दिलों की हो, भाषा व्यवहार की हो या फिर संसाधनों की, इनको दूर करना आज हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता है। जैसे हमारे डोगरों के बारे में लोक संगीत में कहते हैं, मिठड़ी मिठड़ी ये डोंगरे दी बोली, मिठड़ी ये डोंगरे दी बोली, ते खंड मिठे लोग डोके। ऐसी ही मिठास, ऐसी ही संवेदनशील सोच देश से के लिए एकता की ताकत बनता है और दूरियां भी कम होती है। भाई और बहनों, हमारी सरकार के प्रयास से अब बनिहाल कांजीगुड टनल से जम्मू और श्रीनगर की दूरी 2 घंटे कम हो गई। उधमपुर श्रीनगर बारामूला को लिंक करने वाला आकर्षक आर्क ब्रिज भी जल्द देश को मिलने वाला है। दिल्ली अमृतसर कटरा हाईवे भी दिल्ली से मां वैष्णो देवी के दरबार की दूरी को बहुत कम करने वाला है। और वो दिन दूरा नहीं होगा जब कन्याकुमारी की देवी वैष्णो देवी से एक सड़क से मिलने वाले हैं। दोस्तों, जम्मू कश्मीर हो, लेह लद्दाख हो, हर तरफ से एक कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर के ज्यादातर हिस्से 12 महीने देश से कनेक्टेड हो। सरहदी गांवों के विकास के लिए भी हमारी सरकार प्राथमिकता के आधार पर काम कर रही है। हिंदुस्तान भर की सरहदों के आखिरी गांव के लिए वाइब्रेंट विलेज योजना इस बार बजट में मंजूर की गई है। उसका लाभ हिंदुस्तान के सभी आखिरी गांवों को
जो सीमा पर सटे हुए हैं वो वाइब्रेंट विलेज के तहत मिलेगा। इसका अधिक फायदा पंजाब को, जम्मू कश्मीर को भी मिलने वाला है। तो जम्मू